नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। हरमनप्रीत कौर टीम इंडिया की उपकप्तान और T20 टीम की कप्तान। हरमनप्रीत कौर का प्रदर्शन बीते कुछ सालों में बेहद ही घटिया रहा है। टीम इंडिया भले ही T20 विश्व कप के फाइनल में पहुंची हो, मगर हरमनप्रीत कौर का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। चाहे वनडे हो या T20, हर फॉर्मेट में हरमनप्रीत कौर का बल्ला खामोश रहा है और अब बहाना बनाते हुए हरमनप्रीत कौर ने अपने खराब फॉर्म को छिपाया है। हरमनप्रीत कौर ने कहा है कि कोरोना की वजह से उनका फॉर्म खराब हुआ है, क्योंकि इस दौरान उन्होंने कम क्रिकेट खेली है। ऐसा थोड़ी होता है, कोरोना तो कई खिलाड़ियों के लिए था, मिताली राज के लिए भी और शेफाली वर्मा के लिए भी। ऐसा क्या हो गया कि सिर्फ हरमनप्रीत कौर का ही फॉर्म खराब हुआ? हरमनप्रीत कौर ने दरअसल वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं ऐसी खिलाड़ी हूं जिसे रोज़ ट्रेनिंग करना पसंद है, जिसे रोज़ाना कड़ी मेहनत करना पसंद है, लेकिन कोरोना और चोटों के कारण मुझे तैयारी का अधिक समय नहीं मिला। ये बहाने नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है जिसका मैंने सामना किया। ये एक अच्छी पारी की बात है और निश्चित तौर पर इसके बाद मैं फॉर्म में लौट आऊँगी। हरमनप्रीत कौर ग्रोइन की चोट के कारण मार्च में साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में नहीं खेल पाई थी और इसके तुरंत बाद वो कोरोना संक्रमित हो गई। इंग्लैंड के खिलाफ ड्रॉ समाप्त हुए एकमात्र टेस्ट में हरमनप्रीत कौर 4 रन और 8 रन ही बना सकी थी, जबकि इसके बाद 3 वनडे मैचों में उन्होंने 19, 1 और 16 रनों की पारी खेली। आपको बता दें, विश्व कप 2017 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नाबाद 171 रनों की पारी खेलने वाली हरमनप्रीत कौर इसके बाद से लय हासिल करने के लिए जूझ रही है। तब से उन्होंने वनडे में कोई शतक नहीं लगाया है। T20 मुकाबलों में भी हरमनप्रीत कौर ने आखिरी बार नवंबर 2018 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 103 रनों की पारी खेली थी और उसके बाद से एक अर्धशतक भी जड़ने में नाकाम रही है। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।